बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो, ऐसा शीशा की तलाश करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मंजिलें मिले या ना मिले, कामयाबी मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो यू विल गेट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स नंबर जेईई मेंस 2024 में जितना क्वेश्चंस पूछा गया था वहीं से 10 क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन है। आपका एक्टिविटी बनता है ये सारे वीडियोस को अच्छा से वॉच करो, लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, मॉडुलस आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर? इसका मॉडुलस रिलेटेड जितना जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आर्गुमेंट तो ऑब्वियस है, वो तो पूछेगा ही, क्लियर? और कुछ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भी आपको देखना है, ये डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, यू कैन डू इट इजीली, एक बार देख लो, क्लियर? ये भी आप इजी के चैप्टर में कंसिडर कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? You can change your destiny, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. So my dear friends, practice will provide you perfection. Perfection will provide you confidence. Confidence will give you excellent result in JEE Main as well as JEE Advanced Exam. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my master channel. All the very best for your better future. We'll discuss about JEE Main's PYQ from complex number 2024. So my dear friends, this is the first question. Let JEE be complex number such that real part of z minus 2 iota by z plus 2 iota is equal to 0 hai. Then the maximum value of modulus of z minus 6 plus 8 iota equal to this. ठीक है, तो real part of z is equal to 0 का क्या मतलब है? Let z is equal to this x plus iota y, तो z bar x minus iota y. So this is, यहीं से दोनों को add कर दो, x equal to half of z plus z. x क्या है? Real part of z is equal to this half into z plus z bar. So real part of this is equal to 0 है. So that means what will say, so you can say z minus 2 iota by z plus 2 iota. And so this is, ठीक है, is complex number conjugate. तो ये जेड बार, इसका कंजुगेट क्या होगा? प्लस टू आयोटा, इसका जेड बार, और इसका क्या होगा? माइनस टू आयोटा. इसका बाद इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर दिया. सो दैट मींस क्या, ये जब जेड इंटू जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस टू आयोटा इंटू जेड प्लस जेड बार, एंड सो माइनस माइनस प्लस टू आयोटा इंटू टू आयोटा माइनस फोर आयोटा का स्क्वायर प्लस फोर आयोटा का स्क्वायर माइनस फोर, सेम है. सो लाइक दिस, देखो ये पार्ट इसका साथ कैंसिल है. सो दैट इज ए क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, ये भी मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, क्लियर? सो दैट इज माइनस फोर इक्वल टू एट है. तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू फोर, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू टू है. सो दिस इज हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम वैल्यू. सो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस सिक्स प्लस एट आयोटा इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस दिस. मॉडुलस ऑफ जेड तो टू है, क्लियर? और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो, सो दिस सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर, सो दैट इज इसका वैल्यू टेन है. ठीक है, क्लियर? सो दैट इज इज व्हाट, सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर चौसठ, अच्छा दिस टेन है, सो दिस इज इज टेन, सो दिस इज इज ट्वेल्व है. सो माई डियर फ्रेंड्स, क्लियर? यहीं पर क्या है, देखो ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर भी आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, सो यू कैन प्रिपेयर इट. ठीक है, क्लियर? दिल से सारे क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, ये डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, इसको डिफिकल्ट मत बनाओ. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट दिस, वेयर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए बी इंटीजर, जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सो लाइक दिस. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज जेड माइनस वन का मॉडुलस इज लेस देन वन, जेड माइनस फाइव का मॉडुलस इज लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस फाइव आयोटा. तो जेड माइनस वन इज लेस देन वन ए माइनस वन, सो ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन. जेड माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जेड माइनस फाइव आयोटा, सो दैट इज इक्वल टू दिस, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो इसको सॉल्व किया, सो दैट इज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है. अभी बी का जगह पे ए पुट कर दो, जब बी का जगह पे ए पुट कर दिया, सो देखो इसको सिंप्लीफाई किया, सो टू ए स्क्वायर माइनस टू ए इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू जीरो एंड वन. जब ए इज जीरो है तो बी का वैल्यू क्या है, जीरो है. ए जब वन है, बी वन है, सो लाइक दिस. ठीक है, ए जीरो बी जीरो, ए वन बी वन. ठीक है, अभी ये डिफरेंट फॉर्म जिसका मॉडुलस हो, ठीक है, तो यार जिसका मॉडुलस इस रेंज पे है, जेड माइनस वन इज लेस देन वन, ऐसा करके कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन चूज हियर. सो दिस इज जीरो जीरो, वन जीरो, वन वन, टू जीरो एंड वन माइनस वन है. ठीक है, क्लियर? सो दैट मीन्स क्या, देखो यहीं पे सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस, ऐसा है. ठीक है, क्लियर? यहीं पे देखो इसका सेंटर इज लाइक दिस, ऐसा है. ठीक है, अभी क्या है, जैसा एक्स इज ग्रेटर देन वाई है. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज एक्स इक्वल टू जो वाई है, तो ये आपको समझना है, सो लाइक दिस. ठीक है, सो लाइक दिस, ऐसा है. अभी इस रेंज पे जो जो होल कर रहा है, ठीक है, क्लियर? ये आपको देखना है. सो दैट मीन्स इस रेंज पे क्या क्या है, तो सो लाइक दिस, इस रेंज पे क्या क्या है. ठीक है, ये तुम्हें देखना है. सो दिस इज, क्योंकि ना इसका जो सेंटर है, सो दैट इज़ वन जीरो एंड रेडियस इज़ वन है, देखो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज
देखो यहीं पे ई पॉइंट क्या है, 8 तो 20 है, ई पॉइंट क्या है 10 है, ई पॉइंट क्या है सो दिस इज 1-1 है, ठीक है क्लियर। सो दिस इज ई पॉइंट क्या है, सो दिस इज 11 है, ठीक है ई पॉइंट सो दिस इज 00 है, ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मॉडुलस का साम का स्क्वायर क्या होगा, सो ये आपको देखना है, सो लाइक दिस, ठीक है। तो ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये क्या होगा स्क्वायर 1+1 2, सो दैट इज 2 देगा, ये क्या देगा 4 देगा, ये क्या 2 देगा, सबको ऐड कर दिया सो दैट इज इक्वल टू 9 है। सो दैट मीन्स क्या सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस, सो दैट इज इक्वल टू 9 है। ये समझने का कोशिश करो, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान होता है, ठीक है। आप एक बार देख लो, आप इस पे कंफर्टेबल फील करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी पकड़ लेना इजी किल चैप्टर में। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर जे मीन्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू -π से 2π, फॉर व्हिच दिस इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या, रियल पार्ट 0 होगा। तो इसको ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख लो, जे इज इक्वल टू दिस, इसको रेसलाइज कर लिया बस, और कुछ नहीं किया, इसको रेसलाइज किया, ठीक है। 1-2i cos θ, तो इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सो लाइक दिस, रियल पार्ट 0 है। सो दिस बाई दिस क्लियर इक्वल टू क्लियर, सो दिस इज रियल प्योरली इमेजिनरी का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जे इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ, सो लाइक दिस, ठीक है। सो थीटा इज n π + π/4 है। अभी जब n इज 0 है तो थीटा का वैल्यू π/4 - π/4, n का वैल्यू जब 1 है तो ठीक है, एक वैल्यू क्या π + π/4 π - π/4, n का वैल्यू जब 2 है सो दिस इज 2π - π/4 7π/4, n का वैल्यू जब -1 है -π + π/4 - 3π/4 है। तो ये सबका साम देखो, जब सबका साम तुम फाइंड करोगे, देखो ए इसका सब कैंसिल, ए इसका सब कैंसिल, तो ये दोनों का साम है, ठीक है। तो 12π/4 सो दैट इज इक्वल टू 3π। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर दिस इज अ मिक्सचर्स ऑफ क्लियर 3π, सो दिस इज अ मिक्सचर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ट्रिगोनोमेट्री आता ही है, क्योंकि ना जो उसका जो आर्गुमेंट है वो तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री का ही खेल है, ये आपको समझना है। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री मीन्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 2 इक्वल टू 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 1/5, देन रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 2 बार का मॉडुलस क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज इज 1, ये गिवन है, सो दिस इज x² + y² + 4x + 3 इक्वल टू 0 है। अभी जेड प्लस 1/z + 2, इसको भी रेसलाइज किया, ठीक है। तो यहीं से इमेजिनरी पार्ट को आपको फाइंड करना है, क्लियर। सो इमेजिनरी पार्ट देखो यहीं पे axx कैंसिल हो गया, सो दैट इज वाई 2y - y, सो दैट इज वाई वाई बाई दिस इक्वल टू 1/5 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस 1/z + 2 इक्वल टू 1/5 है। इसको सिंप्लीफाई किया, क्लियर। क्योंकि ना देखो यहीं पे x² + y² + 4x इक्वल टू -3 है, तो इसका जगह पे -3 + 4 = 5y, सो दैट इज y का वैल्यू 1/5 है, ठीक है। y का वैल्यू जब 1/5 है, हमें क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 2, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस 2 x + i y + 2, ठीक है। तो ये क्या है x + 2, इसका मॉडुलस क्या होगा, सो x + 2। अभी जब y का वैल्यू 1/5 है, क्लियर, y का वैल्यू 1/5 इस पे पुट कर दो, ठीक है क्लियर। सो दिस इज y का वैल्यू 1/5 पुट कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, x + 2 का जो वैल्यू है 2√6/5, ये आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ अभी क्या है देखो, सो दिस इज, हमें तो यही चाहिए, ठीक है क्लियर। सो दिस इज बस नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। देखो सपोज आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यहीं पे भी आप ये वैल्यू को पुट कर सकते हो, सो दैट इज व्हाट, ठीक है, x² + y² ठीक है +4x तो 3 है, तो यहीं से भी सो दिस इज +y² मैंने क्या किया, इस पर पुट कर दिया, ठीक है क्लियर। सो दिस इज y का वैल्यू 0 and 20/9 है, हमें वो नहीं चाहिए था, सो दैट इज 2√6/5, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, इसे समझने का कोशिश करो, ये फॉर्मूला बेसिक है, यू कैन डू इट इजिली। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर जे मीन्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, s1 = z belongs to complex number, मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस दैन इक्वल टू 5, s2 = z belongs to complex number, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, s3 = z belongs to complex number, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है, क्लियर। सो ऑब्वियसली यू कैन से x² + y² = less than 25, s2 क्या है, इसको सिंप्लीफाई किया देखो, तो यह जेड क्या है x + 1, ठीक है, x + i y इस पर पुट कर दिया और इससे रेसलाइज कर दिया, 1+i√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट इज दिस, ठीक है क्लियर। यहीं पे इसका इमेजिनरी पार्ट का बारे में आपको सोचना है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है, x + √3, ये तो इसका साथ कैंसिल, y बाई दिस, ठीक है क्लियर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक क्लियर। यहीं पे सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट, और नीचे क्या होगा, सो दैट इज 4 है, ठीक है क्लियर। सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x + √3 + y > 0, और रियल पार्ट ऑफ जेड x > 0 है, सो ई पार्ट, ठीक है, ई पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो x² + y² < 25, x
रूट थ्री प्लस वाई इज दिस ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई फोर है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट का एरिया, और ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री है सेक्टर का जो एरिया है, एंड थीटा क्या है, थीटा तो 60 डिग्री है, पुट कर दिया। सो दिस आर, आर क्या है, दैट इज 5 है, 25 पाई बाई 4, आर का तो 25 पाई, एंड सो दिस इज, ठीक है, 60 बाई 360 दैट इज 6 है, इसको सिंप्लीफाई किया, सो हट विल गेट, सो यू हैव गॉट, सो दिस इज 125 पाई बाई 12 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली ए पी वाई क्यू चाहिए एडवांस है, वहीं से क्वेश्चन दे दिया है, आपको इसे समझना है, इसी टाइप का क्वेश्चन जल्दी पूछा जाएगा, क्लियर। सो डिफिकल्ट नहीं है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो, यू कैन इजीली सॉल्व। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेटमेंट्स 2024, द एरिया ऑफ द रीजन जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडल सब्जेक्ट माइनस वन इज लेस दैन इक्वल टू टू, एंड दिस इज लेस दैन इक्वल टू टू है, क्लियर। सो दट इज वट एस वन इज दिस, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल टू फोर, एस टू इज दिस, इसको सिंप्लीफाई किया, जेड प्लस जेड बार क्या होगा ट्वाइस एक्स, जेड माइनस जेड बार क्या होगा आयोटा ट्वाइस ऑफ वाई, सो दट इज वट लेस दैन इक्वल टू टू, एक्स माइनस वाई इज लेस दैन इक्वल टू वन, अभी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, सो दट इज वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, क्लियर। ये तीनों का डायग्राम, तीनों का जो इक्वेशन है, क्लियर, ये तीनों का इक्वेशन से डायग्राम बनते हैं, ठीक है, ये सर्कल इनर पार्ट ऑफ दिस, अभी एक्स माइनस वाई, सो लाइक दिस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, इस पार्ट का एरिया तुम्हें फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे, क्लियर, इस पार्ट का सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके ये सेक्टर का एरिया को माइनस कर दो, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई टू है, और इस सेक्टर का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, थीटा क्या 45 डिग्री है, क्लियर, सो दैट इज इसको पुट कर दिया, सो दिस इज वर्ट, देखो ये क्या है, दिस इज 8 एंड सो दिस इज 2 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यही को समझना है, सो दिस इज डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस बार दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट टॉपिक्स, यू कैन सॉल्व इजीली, थोड़ा पेशेंस रखो और समझने का कोशिश करो। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेटमेंट्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशंस, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो है, व्हेयर जेड बिलोंग्स टू सी, देन फोर टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो जे क्लियर, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जो रिलेशन गिवन है, क्लियर, यहीं से इसको लिख लो, सो दिस इज लाइक दिस, ठीक है, एक्स जेड बार मीन्स क्या दिस, ठीक है, अभी क्या रियल पार्ट इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो कर दो, नहीं से इसका मतलब क्या, एक्स इज जीरो वाई इज जीरो, जब एक्स जीरो है ये भी वैल्यू फाइंड कर लो, तो y का वैल्यू 0 एंड 1 एंड सो दिस इज y का वैल्यू 0 एंड माइनस 1, ठीक है, तुम्हें उस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे में सोचना है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर का बारे में सोचना है, ठीक है, क्लियर, ना उस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचना है जो नॉन जीरो है, तो ये नॉन जीरो नहीं है, क्लियर, सो लाइक दिस, ठीक है, सेम वे जब y इज 0 है तो यहीं पे क्या मिलेगा, यहीं से देखो, सो दैट मीन्स इसका बारे में भी नहीं सोचना, ठीक है, क्लियर, इसका बारे में भी नहीं सोचना, तो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो इसका स्क्वायर का सम, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशंस, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, क्लियर, अल्फा का वैल्यू, ये सबका सम फाइंड किया, ठीक है, ये सबका सम फाइंड करो, देखो ये जीरो, ये भी तो जीरो है, तो अल्फा का वैल्यू जीरो है, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, देखो, क्लियर, सो दिस इज, ठीक है, तो बीटा का वैल्यू हमने फाइंड किया, बीटा विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशंस, ठीक है, तो बीटा का वैल्यू क्या है, ना बीटा का वैल्यू, ठीक है, सो दैट इज वन है, तो 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4 है, ये आपको समझना है, अल्फा एंड बीटा बी द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस है, ठीक है, देखो इसका सम क्या है 1, इसका सम क्या है माइनस 1, इसका सम क्या है माइनस 1, एंड सो दिस इज प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू 0 है, तो अल्फा का वैल्यू 0 है, ऐसा करके सो दैट इज व्हाट, तो बीटा का वैल्यू भी आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है, क्लियर, सो लाइक दिस, तो इसका जो सम है, सो दैट इज वेल, क्लियर आंसर है, सो दैट इज 4 है, ये आपको समझना है। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेटमेंट्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर, सो दैट मीन्स क्या, मिनिमम वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, जेड वन प्लस जेड टू इज लेस दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड टू, एंड मोर दैन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मॉड, ये मिनिमम वैल्यू देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, सो दिस इज जेड वन, दिस इज जेड टू, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस हाफ ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर, ये क्या है 1 गिवन है, ये क्या है 5 बाई 2 है, ठीक है, तो 1 माइनस 5 बाई 2, सो दैट इज 3 बाई 2 है, क्लियर, सो माय डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, इसे समझने का कोशिश करना। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टेटमेंट्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेट पी इज इक्वल टू दिस,
ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू माइनस थ्री आयोटा लेस देन वन एंड क्यू इज इक्वल टू दिस जेड इंटू वन प्लस आयोटा जेड बार इंटू वन माइनस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू. लेट इन पी इंटरसेक्शन क्यू जेड ऑफ दिस बी ए मैक्सिमम और मिनिमम एट जेड वन एंड जेड टू रेस्पेक्टिवली. इफ दिस जेड वन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट टू फायर अल्फा बीटा एंड इंटीजर देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा. क्लियर. सो कार्टेशियन फॉर्म में जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई. देखो ये सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर माइनस टू थ्री रेडियस वन है. अभी यहीं से इसको भी सॉल्व कर लो. जेड का जगह पे एक्स प्लस आयोटा देखो यहीं पे ये क्या है, ये तो टू एक्स है, ये क्या होगा आयोटा ट्वाइस वाई. सो दैट इज लाइक दिस. सो एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू फोर है. ठीक है, तो हमें क्या है देखो ये सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो लाइक दिस एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर. ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करता है. क्लियर. ए पॉइंट थ्री एंड माइनस टू पे है. ठीक है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो सेंटर से पास हो रहा है. इसे आपको समझना है. अभी क्या है देखो क्लियर, ई क्या है ना. सो दिस इज मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू क्या है जेड वन. सो यहीं से ए डिस्टेंस मैक्सिमम है और ए डिस्टेंस सो दैट इज मिनिमम है. ठीक है, ए जेड टू है. अंडरस्टूड क्लियर. तो आपको क्या क्या फाइंड करना है देखो. सेंटर से पहले सेंटर से इसका ऊपर डिस्टेंस फाइंड कर लो. सो दैट इज सी ए है. ठीक है क्लियर. ए जो लाइन है सो दैट मीन्स क्या ए लाइन क्या है ना एक्स माइनस y प्लस फोर है और ए पॉइंट क्या है सो दैट इज माइनस टू थ्री है. क्लियर. सो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया वन बाई रूट टू है एंड सी बी इज वन है. ठीक है, तो हमको क्या चाहिए देखो. हमें क्या चाहिए, सी पी इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से सी पी फाइंड कर लिया फाइव रूट टू है एंड सो दिस इज पी ए क्या होगा सी पी माइनस सी ए फाइव रूट टू माइनस वन बाई रूट टू है. ठीक है, तो यार अभी पी बी क्या होगा ना पी सी प्लस सी बी. पी सी तो फाइव रूट टू है एंड सी बी क्या है वन है सो दैट इज फाइव रूट टू प्लस वन है. अभी हमें क्या फाइंड करना है टू पी ए का स्क्वायर. ठीक है, तो यार टू पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो यार सो दिस इज सो हियर जेड वन स्क्वायर प्लस टू जेड टू का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर प्लस टू पी ए का स्क्वायर सो लाइक दिस. ठीक है, एंड सो लाइक दिस. तो इसको सॉल्व किया. ठीक है, इसको जब सॉल्व किया देखो तो यार ये क्या होगा 50 प्लस टेन रूट टू प्लस वन. इसको सॉल्व किया 50 प्लस हाफ माइनस टेन मल्टीप्लाई कर दिया सो लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है देखो. सो दिस इज 152 से सो दिस इज 20 घटा दिया 132 प्लस टेन रूट टू है. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, हमें ये फाइंड करना था सो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट टू है. ठीक है, सो दैट इज अल्फा इज 132 बीटा इज 10 है. ये दोनों का सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 142 है. सो माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस को दो तीन बार समझ पहले जो रीड करना. ठीक है, इसका सॉल्यूशंस को रीड करना समझने का कोशिश करना. सो दिस इज आंसर है. ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है. इसी टाइप का क्वेश्चन चाहिए एडवांस में भी पूछता है जेई मेन एग्जाम में भी पूछ रहा है आजकल. Now let A is Z belongs to C where modulus of Z minus 1 equal to 1 and so this is root 2 minus 1 Z plus Z bar minus iota Z minus Z bar is equal to is what? Clear 2 root 2 where Z1 Z2 belongs to S besides that modulus of Z1 equal to maximum of Z and modulus of Z2 is equal to minimum of Z. So like this. ठीक है, अभी ये जो conditions given है यहीं से देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा. सर्किल है जिसका सेंटर 1 0 है रेडियस 1 है. इसको सिंप्लीफाई कर लिया. अभी ये जो conditions given है इसको भी सिंप्लीफाई किया सो लाइक दिस. ठीक है, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व किया. दो इक्वेशंस को जब सॉल्व किया x का वैल्यू 1 एंड 1 बाई 2 माइनस रूट टू है. x जब 1 है ठीक है तो y का वैल्यू भी 1 है. x जब 1 बाई 2 माइनस रूट टू है y का वैल्यू दिस. ठीक है क्लियर, अभी y का वैल्यू जब दिस है तो जेड वन इज इक्वल टू इज वाई. क्लियर, ए दोनों में क्लियर दो वैल्यू मिला है ना. सो दिस इज इसको एसलाइज कर लिया दोनों वैल्यू में मैक्सिमम कौन सा है सो लाइक दिस. ठीक है क्लियर, सो जेड वन इज इक्वल टू इज वाई सो दिस. अभी जेड टू इज वाट ना वन प्लस आयोटा. ठीक है, अभी ये दोनों को सॉल्व किया. ये दोनों जब सॉल्व करोगे सो यू विल गेट दिस, बस नथिंग एल्स. ठीक है, जेड वन मॉडुलस ऑफ जेड वन का मतलब है मैक्सिमम ऑफ जेड एंड मॉडुलस ऑफ जेड टू का मतलब है मिनिमम ऑफ जेड. ठीक है, क्लियर, मिनिमम ऑफ जेड ये तुम्हें समझना है. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो माई डियर फ्रेंड्स कम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑल्सो नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट. क्लियर, इसे ये सारे क्वेश्चन को देखो. क्लियर, मुझे जो लगता है क्लियर आप देखोगे तो यू कैन डू इट इजिली. ठीक है, फिर लग लगा के दिल से प्रैक्टिस भी तो करना है. ठीक है, पहले देखो वॉच करो फिर लग लगा के दिल से प्रैक्टिस करो. यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर. एक्सेलेंस इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस. जब तक सफल ना हो तो नेच चैन को देखो, तो संघर्ष की मैदान छोकर मत भगो. तो कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. सो माय डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो यू हैव गॉट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर, सो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मुझे इजी की चैप्टर लगता है, लेकिन पहले आप ये सारे क्वेश्चन को देखो वॉच करो. क्लियर, आपको कंफर्टेबल लगे तो ये सारे पी वाई क्यू को लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो. सो माय डियर फ्रेंड्स यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस. इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. प्रैक्टिस इंप्रूव योर क्वालिटी, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्किल, प्रैक्टिस इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, प्रैक्टिस इंप्रूव योर मसल पावर इन द सर्व.
subject. Practice will make you a master in GMAT as well as GAT for exam. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my maths channel. All the very best for your better future.